नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद। डालते हैं नजर खास खबर की ओर। अंतर्राष्ट्रीय रोटरी मंडल 3040 के प्रमुख रोटरी क्लब भोपाल हिल्स का आधिकारिक दौरा रोटरी जितेंद्र जैन मंडल अध्यक्ष द्वारा 18 जनवरी को संपन्न हुआ। मंडल अध्यक्ष ने भोपाल स्थित ग्रामीण क्षेत्र में बड़खेड़ा बांदर माध्यमिक शाला छात्र छात्राओं को स्कूल बैग, स्वेटर और अन्य सामग्री का वितरण किया। शिक्षकों के साथ मीटिंग कर आगामी वर्ष के लिए कार्य योजना समीक्षा भी की। मंडल अध्यक्ष ने क्लब द्वारा संचालित कोही फिजा स्थित रोटरी व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र का निरीक्षण किया। यह व्यावसायिक केंद्र पिछले 14 वर्षों से जरूरतमंद लड़के लड़कियों को कंप्यूटर एवं लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का निःशुल्क प्रशिक्षण दे रहा है। होटल विद्याश्री में विशेष मीटिंग का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व मंडल अध्यक्ष रोटेरियन नरेंद्र जैन, रोटे रश्मि जैन, मंडल प्रथम महिला पूर्व मंडल अध्यक्ष रोटे धीरन दत्ता, मंडल सहायक गवर्नर रोटे ओम प्रकाश असनानी एवं मंडल 3040 के स्थानीय रोटरी क्लबों के अध्यक्ष एवं गणमान्य पदाधिकारी उपस्थित थे। रोटे सुरेश श्रीवास्तव जी अध्यक्ष महोदय ने सदन में अपने कार्यालय में किए गए रोटरी गतिविधियों की जानकारी दी। रोटे कर्नल डीसी वर्मा क्लब प्रशिक्षक ने क्लब में शामिल हुए नए सदस्यों को शपथ दिलाई। मंडल अध्यक्ष ने अपने संबोधन में कहा कि क्लब द्वारा किए गए सभी सर्विस प्रोजेक्ट सराहनीय हैं। रोटरी फाउंडेशन में आर्थिक योगदान देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने क्लब के अध्यक्ष सुरेश श्रीवास्तव की सराहना की और सभी सदस्यों का आभार व्यक्त किया। निवर्तमान मंडल अध्यक्ष रोटे कर्नल महेंद्र मिश्रा एवं पूर्व मंडल अध्यक्ष रोटेरियन नरेंद्र जैन, पूर्व मंडल अध्यक्ष रोटेरियन धीरन दत्ता ने अपने संबोधन में रोटरी क्लब भोपाल हिल्स द्वारा किए जा रहे रोटरी गतिविधियों की प्रशंसा की। रोटे ब्रिगेडियर शिवेंद्र बहादुर सिंह निवर्तमान अध्यक्ष ने अपने समापन भाषण में क्लब में आमंत्रित सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। अंत में राष्ट्रगान गाकर क्लब की कार्यवाही समाप्त घोषित की गई। सर, थोड़ा सर भोपाल दौरे पे आप क्या दौरा था? ये मंडल अध्यक्ष अधिकारी यात्रा है। मैं रोटरी मंडल 3040 का गवर्नर हूँ और जो हमारे भोपाल का एक महत्वपूर्ण क्लब रोटरी क्लब ऑफ भोपाल हिल्स ये अधिकारी यात्रा पर आज हमने बहुत सारे जानकारी रोटरी क्लब भोपाल हिल्स ने किए पिछले 6 महीने के अंदर, उन सबका अवलोकन किया है। और चाहे गोंदरमा हो, बखेड़ा गोंदर स्कूल हो, चाहे हमारे मेडिकल कैंप्स हो, कैंसर के ऊपर, गर्ल हाइजीन के ऊपर बहुत सारे क्राफ्ट काम हमारे रोटरी क्लब भोपाल हिल्स कर रहा है और लिटरेसी में और हमारा हैप्पी स्कूल के लिए बहुत सारे हमारे रोटरी क्लब भोपाल हिल्स कर रहा है। और आज मैंने आपके आप लोगों के साथ हमारा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर है पूरे फीसा में उसका भी अवलोकन किया है और वहाँ पर जो ट्रेनिंग दी जा रही है यूनिवर्सिटी के थ्रू या कंप्यूटर के थ्रू वो सब श्रेष्ठ कार्य है हमारे रोटरी क्लब भोपाल हिल्स का। सर, कोविड के बाद में पहला दौरा था, कैसा लगा, कैसा अनुभव रहा? निश्चित तौर पे कोविड का जो 2.5 साल था उसको आपने याद दिला के फिर दोबारा से कुछ नम किया है, लेकिन रोटरी ने सेवा कार्य में कभी कसर कोविड के दौरान भी नहीं छोड़ी है। हम लोगों ने कोविड के दौरान 100 करोड़ रुपये का फंड प्राइमरी फंड में दिया था और जब गवर्नमेंट कोविड से निपटने की तैयारियां कर रही थी उस दौरान हमारे रोटरी सदस्य जन जन के पास पहुँच के सेवाएँ दे रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल्स में कंसल्टेटर हो या बायोटिक मशीन हो, हमारा चाहे सैनिटाइजर हो, चाहे मास्क हो, हमने पूरे कोविड के दौरान बहुत सारी सेवा कार्य की जो अपने आप में हिस्सा है। सर, निरंतर रोटरी क्लब सेवा समाज सेवा में लगा रहता है, क्या उद्देश्य युवाओं का संदेश देना चाहेंगे? निश्चित तौर पर समाज की सेवा ही हमारा मूल मंत्र है। सर्विस अबव सेल्फ हमारा लोगो है, स्वयं से ऊपर सेवा, लोग उसको फॉलो करते हैं और निश्चित तौर पर अच्छे वक्त से आते हैं और जो हमारा लक्ष्य है समाज के अंदर जागरूकता पैदा करना, खान समाज को खाद्य हमारा। सर, रोटरी क्लब आज देश का नंबर वन संगठन है जो जनसेवा में आगे आया है, वो बिना राजनीति बिना लोभ लालच का बजट। सर, रोटरी क्लब सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं 213 देशों में है। हम लोग हमारे 40,000 क्लब हैं और करीब 12 लाख रोटेरियन हम लोग सेवा कार्य करते हैं और सीधा सीधा हमारा एक ही लक्ष्य है, दोस्ती, सहचर और सेवा, तीनों का मिला जुला अनूठा संगम है। फिलहाल इतना ही, खबरें अभी और भी हैं, बने रहे हमारे साथ और देखते रहे हेडलाइंस 24 न्यूज। नमस्कार।